गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए जान लेते हैं देश और विदेश में क्या चल रहा है फास्ट 15 के साथ। कोलकाता, हावड़ा व उत्तर 24 परगना में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, राहत की उम्मीद कम। कोलकाता पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तक पहुंचा कोरोना, कॉम्बैट फोर्स के एक ASI संक्रमित। कोलकाता में कोरोना वायरस का प्लाज्मा पद्धति से इलाज करने के लिए चिकित्सीय परीक्षण होगा। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की आशंका, कई तटीय जिलों में हो सकती है भारी बारिश। कोरोना तेजी से बढ़ने के कारण कोलकाता के निजी अस्पतालों में 185 नर्सों ने छोड़ी नौकरी। लॉकडाउन 4 का ऐलान, देश में कोरोना संकट के बीच 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य तय करेंगे। अंतर्राज्य बस सेवाएं होंगी शुरू, मेट्रो, हवाई सेवा और रेल यातायात पर जारी रहेगी पाबंदी। कोरोना वायरस संक्रमण राष्ट्रपति भवन पहुंचा, ACP पॉजिटिव मिले, अस्पताल में भर्ती। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने टिप्पणी की, जिसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने हर बार की तरह अफरीदी को जमकर लतारा। COVID-19 लॉकडाउन के बीच रविवार को जारी एक मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 18 मई से 19 जून तक सभी मामलों की सुनवाई वीडियो और ऑडियो लिंक के माध्यम से करेगा। दीपिका पादुकोण ने शेयर की आमिर खान के साथ 20 साल पुरानी तस्वीर, बोली तब 13 साल की थी। फैंस के लिए अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने शेयर की बोल्ड तस्वीरें, जो हो रही है काफी वायरल। पाताल लोक वेब सीरीज की सफलता और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने की खुशी में अनुष्का शर्मा और टीम ने एक वर्चुअल पार्टी के साथ सफलता का जमकर जश्न मनाया। लॉकडाउन के बीच अभिनेत्री आलिया भट्ट ने बदला अपना हेयर स्टाइल, तस्वीर साझा कर लिखा 60 दिन बाद। सपना चौधरी का कोई डांस वीडियो नहीं, बल्कि उनकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर कहर बरपा रही हैं। वायरल हो रही तस्वीरों में सपना ब्राइडल लुक में नजर आ रही हैं, जिसने उनके फैंस की नींद उड़ा कर रख दी है। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कल फिर होगी हमारी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट 15। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें।